हूं अंजलि, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एक बार फिर से आप सभी के सामने सोनिया गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी को लेकर बड़ी खबर जो सामने आ रही है लगातार, उसको लेकर अगर बात करें तो चुनावों से पहले सोनिया गांधी को बड़ी ही ज्यादा मुसीबत जो है झेलनी पड़ सकती है, और मुसीबतों के चलते यहां पर सोनिया गांधी को जेल जाने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रही हैं। इसी बीच खबर है कि उनके प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने की संभावनाएं नहीं है। जांच एजेंसी ने उन्हें नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि इससे पहले पार्टी ने कहा था कि सोनिया जांच एजेंसी के मामले निर्धारित दिन पर पेश होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी नेताओं ने बताया कि बुधवार को सोनिया के ईडी के समक्ष पेश होने की संभावनाएं नहीं है। बीते सप्ताह ही कांग्रेस ने बताया था कि सोनिया कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल सहित कुछ कांग्रेस नेताओं के भी संक्रमित होने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार 2 जून को बताया था कि सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि वह 8 जून को नेशनल हेराल्ड मामले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की जाँच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश होंगी, और इसी को लेकर कोरोना वायरस की चपेट में वो ऑलरेडी हैं। चुनावी मैदान का दौर चल रहा है और इससे पहले अगर सोनिया गांधी पर यहां पर बड़ा बवाल जो है मचता नजर आएगा तो उनके जेल जाने को लेकर मच सकता है। तो आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।